उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे सभी राजनीतिक पार्टियां यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। सभी राजनीति दल आम जनता के बीच अपनी पहचान बनाने में लग गए हैं। एक ओर जहां सत्ता पर काबिज पार्टी उद्घाटन और निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर चुनावी मैदान में अपने प्रचार की रफ्तार तेज कर रही है, वही विपक्ष में बैठे दलों की ओर से सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि सभी को ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर जनता यूपी की कमान किसके हाथों में सौंपेगी। क्या फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो पाएंगे या जनता अन्य विपक्षी दल को इस बार मौका देगी। इस सवाल के जवाब के लिए एक सर्वे किया गया जिसमें सीएम की पसंद को लेकर अहम आंकड़े सामने आए हैं। इसमें जनता ने बताया है कि वे किसे यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेगी। पिछली बार के सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ को 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया था। वहीं अखिलेश यादव को इस बार 32% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है, जो कि पिछली बार के सर्वे में 31% था। मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर 15% लोग देखना चाहते हैं, जो कि पिछली बार ये आंकड़ा महज 5% था। प्रियंका गांधी को यूपी के सीएम के रूप में 4% लोग पसंद करते हैं, जो कि पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 5% था। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का राजनीतिक तापमान काफी ज्यादा गर्म है। इस सर्वे में यूपी के 6,929 लोगों ने हिस्सा लिया, तो वहीं इस सर्वे 18 से 24 नवंबर के बीच चला।